नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जीएसटी के बारे में बताऊंगा कि जीएसटी के अंदर हम भारत के अंदर क्यों लाई गई थी, इसका क्या पर्पज़ था। इसमें हमारे 24 क्वेश्चन हम इसके बारे में बताएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आगे और भी जितने भी जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन है वो हम आपको बताते रहें। ये हमारा एजुकेशनल हब के नाम से चैनल है, इसको बनाया गया है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि और भी आने वाली वीडियो हम आपके इस पे अपलोड कर सकें। तो सबसे पहले आता है, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। तो विश्व में सर्वप्रथम जो जीएसटी था वो फ्रांस के अंदर लाया गया था। जो फ्रांस था आपका, उसके अंदर ये जीएसटी लाया गया था। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर सही है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। जो भारत में जीएसटी जो लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 के अंदर जीएसटी लागू किया गया था भारत के अंदर। तो इसका आंसर भी ए सही आंसर है, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमने आपको बताया है। नेक्स्ट जो आपका आता है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा जो कंट्री है उसके ऊपर जीएसटी के ऊपर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सही आंसर है, यानी बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन किस संशोधन में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2014 के अंदर इसका जीएसटी संविधान बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट डाले गए थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए, इसका राइट आंसर है 336 जो है वोट डाले गए थे। तो इसका ए राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है आपका, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल को कब पारित किया गया था। देखो इसके अंदर तीन प्रकार से इसको जीएसटी बनाया गया था। सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, इन तीनों की अनुमति से बिल पारित किया गया था। तो आपका सबसे पहले जो आंसर आता है इसका, 3 अगस्त 2016 के अंदर ये पारित किया गया था। इसका राइट आंसर आता है आपका ए इज द राइट आंसर। तो हम ए के इस पर टिक करेंगे। तो 3 अगस्त 2016 के अंदर लोकसभा में पारित हुआ था ये। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहता है वो आता है, राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल को कब पारित किया गया था। जो राज्यसभा में जो जीएसटी पारित किया गया था वो कब किया गया था, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है 3 अगस्त 2016 के अंदर किया गया था। तो इसका आंसर राइट है बी, आंसर सही है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहता है वो जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी कब दी। देखो अब राष्ट्रपति देगा, पहले क्या है राज्यसभा दी, फिर लोकसभा दी, अब आपका राष्ट्रपति के ऊपर आता है कि राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी कब दी थी। तो इसका आंसर जो राइट आंसर है वो है 8 सितंबर 2016 के अंदर इसकी आंसर जो है वो मंजूरी दी गई थी। तो इसका भी आंसर बी जो है आंसर वो सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, किस संशोधन, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा संशोधन बनाया गया था जो जीएसटी एक्ट वो लाया गया था। तो 101वां जो है वो संविधान संशोधन किया गया था। तो इसका आंसर जो राइट आंसर है वो है ए, आंसर सही होता है। तो ए आंसर पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है अपना, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था। तो भारत के अंदर जो समिति बनाई गई थी जो जीएसटी बिल को पारित करने के लिए सुझाव दिया गया था, वो आपका आंसर रहता है बी, आंसर इज द राइट आंसर। तो विजय केलकर समिति इसको बनाया था। तो बी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट आता है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था। जो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका रहता है ए इज़ द राइट आंसर, अमिताभ बच्चन। तो आप ए पे टिक करेंगे।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहता है वो जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। जो जीएसटी को जो लागू किया गया था, देखो सबसे पहले भारत के अंदर लगने के बाद में जीएसटी एस लागू किया गया था असम ने, असम गवर्नमेंट ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। तो इसका आंसर आता है आपका डी आंसर सही है, तो डी आंसर हम क्लिक करेंगे। और डी पे क्लिक करते ही नेक्स्ट अपने क्वेश्चन जो आता है वो जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। जो प्रथम राज्य जो था आपका असम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है। अब अपने को अंतिम राज्य पूछना है जो सबसे लास्ट में जीएसटी बनाया गया था। देखो इसका आंसर सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि ए आंसर इसका सही है। ए इसलिए है क्योंकि जे एंड के यानी जम्मू कश्मीर में सबसे लास्ट में जीएसटी लागू किया गया था, और क्योंकि ये इस वहाँ का संविधान वो अलग है, इस पर्पज से इसको सबसे लास्ट में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया था। देखो सबसे पहले जीएसटी में जो जितने इनडायरेक्ट टैक्स थे वो हटा दिए गए थे, और वो इनडायरेक्ट टैक्स थे आपके 17, और 23 सेंस हटा दिए गए थे। यानी इसके ऊपर क्या था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स हटाए थे 17, उनमें से टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको सेंस के नाम से हम जानते हैं, और उनमें 23 और ऐसे सेंस थे वो हटा दिए गए थे। तो हम बी आंसर पर क्लिक करेंगे, 17 जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से हटा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहता है वो जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं। यानी आपको ये बताना है कि जीएसटी के अंदर कितने डिजिट के अंदर वो संख्याएं होती है जीएसटी की। तो आपको पता है कि 15 डिजिट के हैं वो जीएसटी की कुल संख्या है, डिजिट है। तो इसका आंसर हम ए पे क्लिक कर देंगे, तो इसका आंसर होता है ए यानी 15 डिजिट। तो ए लिख देंगे हम, ए पे ये राइट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित दरों को कितने प्रकार से बांटी गई है। यानी कितने प्रकार की जीएसटी की जो दरें हैं। देखो सबसे पहले जीरो भी मानी गई है, वैसे 5 है, लेकिन अगर आपका एग्जाम टाइप के अंदर आ जाए, एग्जाम के अंदर आ जाए तो इसमें 4 ही क्लिक करना है। सबसे पहले हमें 0, 5, 12, 18 और 28, लेकिन अपने को सिर्फ 4 ही माननी है। तो इसका आंसर आता है ए इज़ द राइट आंसर। देखो सबसे पहले 0, उसके बाद में 5, उसके बाद में 12, उसके बाद में 18 और उसके बाद में 28। ये आपकी 5 प्रकार की है, लेकिन 0 इसमें काउंट नहीं की जा रही है, सिर्फ ये 4 ही काउंट की जा रही है। तो आपको 4 ही क्लिक करना है, 4 पे ही क्लिक करना है। 5, 12, 18 और 28 ये जीएसटी की दरें हैं। नेक्स्ट है संविधान में जीएसटी परिषद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया था। आपका जो संविधान के अंदर जीएसटी जो बनाया गया था उनका कौन सा एक्ट बनाया गया था, अनुच्छेद बनाया गया था, 279A के अंदर इसको रखा गया। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका ए इज़ द राइट आंसर, इसके अंदर इसको रखा गया है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 279A के अंदर, इसमें संविधान के अंदर अनुच्छेद में जीएसटी को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी। ये आपकी जो परिषद की स्थापना जीएसटी की गई थी वो उसकी डेट पूछ रहा है आपको। तो इसका आंसर रहेगा आपका 12 सितंबर 2016 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। देखो अब जीएसटी से संबंधित जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड है वो सारे काम होते हैं जीएसटी के अंदर। तो अपने को ये दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए कि जो फाइनेंस से संबंधित काम होता है उसका सारा काम जो देख रेख करता है उसका वित्त मंत्री करता है, यानी अरुण जेटली। तो इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा बी इज द राइट आंसर, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इसका बी पे हमें क्लिक करना है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो हमें ए पे क्लिक करेंगे, 33 इसमें संख्या होती है, जीएसटी के अंदर जो परिषद बनाए जाते हैं उनके सदस्यों की संख्या आपकी 33 होती है, और 33 किसके अंदर है, ए के अंदर है, ए इज़ द राइट आंसर। जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट अधिकार दिया जाता है। यानी हम इसके अंदर राज्य में जो वोट दिया जाता है वो कितने प्रकार के अधिकार दिया जाता है, तो 2/3 वोट इसमें हम दे सकते हैं।
तो बी इसका राइट आंसर है, बी पे हम इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है। आपको ये बताना है कि जीएसटी को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एस जीएसटी आता है आपका, एस जी एस टी, उसके बाद में सी जी एस टी, उसके बाद में आई जी एस टी। ये तीन प्रकार के इसमें बांटे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये तीन प्रकार रहता है, एस जी एस टी और सी जी एस टी। इंटर स्टेट यानी विद इन स्टेट के अंदर जो टैक्स लगता है वो एस जी एस टी और सी जी एस टी, और आउट ऑफ स्टेट लगता है जो हम एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जाता है उसमें आई जी एस टी के नाम से जाना जाता है, और आई जी एस टी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये आई जी एस टी का पूरा नाम है। तो आपको रखना है कि इसको तीन भागों में बांटा गया है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आई जी एस टी को संशोधन के किस अनुच्छेद में रखा गया है, ये आपको बताना है। जो आई जी एस टी बनाया गया था उसका अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा अब आपका रहेगा ए इज द राइट आंसर, यानी 269A के अंदर इसमें रखा गया। तो ये आपको अनुच्छेद दोनों रखने हैं, आई जी एस टी और सी जी एस टी के दोनों अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये दोनों। और नेक्स्ट और जो अंतिम क्वेश्चन आपका रहेगा कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, तो भारत में जो आपका जीएसटी लागू करने वाला 153, ये राइट आंसर इसका रहेगा आपका बी इज़ द राइट आंसर, तो बी पे हम क्लिक करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जीएसटी से संबंधित हम और भी ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी ऐसे आने वाले वीडियो पे हम फोकस कर सकें, और आपका सहयोगी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।